नगर पालिका परिषद जामुल की पार्षद कविता विश्वास से जामुल निवासी संतोष दास द्वारा धमकी देने और 5 लाख रुपए की मांग करने का मामला सामने आया है। पार्षद की रिपोर्ट पर जामुल थाना पुलिस ने संतोष दास के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। जामुल थाने में मौजूद ये हैं नगर पालिका परिषद जामुल की वार्ड 13 लवकुश नगर की पार्षद कविता विश्वाल, जिन्हें पिछले कई दिनों से जामुल निवासी संतोष दास द्वारा धमकी चमकी देकर 5 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। संतोष दास द्वारा पूर्व में कविता विश्वाल के खिलाफ नगरी निकाय चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र देने का आरोप लगाया गया था, जिसे बाद में जांच उपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद से कविता विश्वाल को धमकी देकर रुपए मांगने का सिलसिला संतोष दास द्वारा शुरू किया गया। मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही पार्षद ने संतोष दास के खिलाफ जामुल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पार्षद कविता विश्वाल और उनके साथ थाने पहुंचे पार्षद दीपक गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं जामुल थाने आया हमारी वार्ड पार्षद श्रीमती कविता विश्वाल के साथ में, क्योंकि जामुल नगर का एक सातिर बदमाश बोलना चाहिए संतोष दास, जो कि पूर्व में मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता बताता अपने आप को, वर्तमान मानव अधिकार संगठन का प्रदेश महामंत्री बताता है अपने आप को, और लगातार वो जामुल के जितने भी लोग हैं जनप्रतिनिधि से लेके आम जनता को परेशान कर रहा है। इसके पहले आज जो कविता विश्वाल के खिलाफ में वो पैसे की मांग किया, इसके पहले हमारे दो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनीता शुक्ला प्रीति वर्मा को बहुत परेशान किया, यहाँ तक कि वार्ड नंबर 1 के जो पार्षद करीम खान की पत्नी और करीम खान के खिलाफ इस न्यायालय में मामला लगाया था, संजय शर्मा से लेकर बहुत लोग यहाँ, मतलब वो आदतन बदमाश कैसा है कि लोगों को डरा धमका के पैसा वसूल करना ये इसके हॉबी में शामिल है। तो हम लोगों ने सबने मिल के बोला कि जब लगातार ऐसा समाज का नासूर व्यक्ति जो सबके लिए खतरा बना हो, कि उन्हें सब मिल के उसके खिलाफ न्यायालय में जाके और शरण लिया जाए, और हम लोगों ने सबने मिल के जामुल थाने में शिकायत किया और आज जामुल थाने के लोगों ने उसके खिलाफ में कार्रवाई की। इसलिए आई हूँ जामुल में संतोष दास नाम का एक बोलो कुछ भी बोलो, वो ऐसे है आदमी है, उससे सब जामुल वासियों ने त्रस्त है, साथ साथ मैं भी त्रस्त हूँ, क्योंकि जब से चुनाव लड़ी हूँ तब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो जाति को लेकर मेरे नाम से, तो जामुल नगर पालिका में जब नामांकन भरी थी तब से मेरे पीछे पड़ा था, रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको खारिज कर दिए थे। चुनाव लड़ी, चुनाव का जीत हासिल भी करी, आज नहीं विगत 25 वर्षों, मतलब अभी 5 साल कार्यकाल अभी फिर बिताएंगे, मतलब 25 साल हो जाएगा, उस बीच में मेरे कोई दिक्कत नहीं था अभी तक। वो जबरन मेरे को फंसाने का चक्कर में तो आवेदन दिया, उसको खारिज भी हुआ, चुनाव लड़ी, चुनाव जीतने के बाद में जब हमारा शपथ ग्रहण तक, तो किसी ना किसी का माध्यम से मेरे को धमकी चमकी दे रहा था कि मेरे को पैसा दो तब आपका जातिगत का मैं कोर्ट में नहीं लगाऊंगा, वापस ले लो, लगाऊंगा भी तो वापस ले लूँगा, तो लेकिन मेरे को 5 लाख चाहिए, 5 लाख का चलते, तो मेरे को अभी तक इतना तंग करके रखा है, मतलब मेरे को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ना कर रहा है, कभी मोबाइल में बार बार डालते रहता है, कहीं ना कहीं छेंक के मेरे को गाली गलौज करता है, परिवार को धमकी देता है, मेरा पति को भी धमकी देता है, पूरा परिवार वाला के साथ में मेरे को बर्बाद कर दूंगा करके वो बार बार कहीं ना कहीं मेरे को रोक छेंक के बोलता है। इसीलिए मैं थाना में शरण ली हूँ, TI साहब को बताऊँ सर मैं कितना बर्दाश्त करूँगी, इतना बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, कई लोग का माध्यम से सोची कि चलो जामुल में निपट जाएगा बात, लेकिन वो किसी का बात नहीं माना, किसी को बोला 8 लाख दिला दो, 10 लाख दिला दो, ऐसे करी बोला, आखिर में तंग होकर मैं जामुल थाना में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए मजबूरी हो गई और रिपोर्ट दर्ज भी हो गया है। रिपोर्ट दर्ज हुआ, किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई क्या अभी तक? कार्रवाई तो अभी हुई नहीं है, लेकिन FIR दर्ज हो गया है, तो TI साहब बोल रहे थे बहुत जल्दी हम लोग कार्रवाई करेंगे, इसलिए आज ही हमको बुलाए थे। वहीं जामुल थाना प्रभारी गौरव पांडे ने पूरे मामले की जानकारी दी। यहाँ जामुल नगर पालिका के अंतर्गत अभी पदेन पार्षद है कविता विश्वास, उनने एक लिखित आवेदन हमारे पास पेश किया कि जामुल निवासी संतोष दास द्वारा एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, उनके फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के नाम पे,
जिसके संबंध में नगरनी का चुनाव के दौरान भी उसने कई बार इनके बारे में शिकायत की, जिसको पीठासीन अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया है। और उसके बाद से ये जाति प्रमाण पत्र को लेकर कई बार उनसे इलीगल तरीके से मनी का डिमांड किया और पेपर में और मीडिया में देकर बदनाम करने की धमकी उनको लगातार देते रहे, जिस पर से लिखित आवेदन हमें प्राप्त हुआ है। और लिखित आवेदन पर से हमने संतोष दास के विरुद्ध धारा 541, 506 और 384 के तहत अपराध पंजीकृत कर विवेचना मिली है। बहरहाल संतोष दास के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, वहीं अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।